Assalamualaikum. क्या हाल है, खैरियत से आप? आज सेकेंड ईयर की मैथ में वेलकम फिर से. आज हम करेंगे 2.4. 2.4 के अंदर पहला सवाल है, लेट्स कम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 2.4 है, पहला सवाल है. अब इसके अंदर से करना ये है कि अब आपको सवाल को देख के लग रहा होगा कि इसके अंदर हम लोगों ने वही 2.3 वाला काम करना है. 2.3 जो है वो बेसिक एक्सरसाइज है. 2.3 बेसिक एक्सरसाइज अगर वो आपकी फिंगर टिप्स पे हो चुकी है, इंशाल्लाह हो चुकी होगी, तो अगर वो फिंगर टिप्स पे हो जाती है आगे पूरा चैप्टर आसान है. इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ पर हम लोग चेन रूल लगाएंगे. तो चेन रूल इस तरह से लगेगा कि ये सवाल है y = ये हमारे पास सवाल है. अब हम लोगों ने करना ये है कि अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज़ है, अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ इसका क्या है, 1 - x, 1 + x. इसको हम लोगों ने u के इक्वल लेट कर दिया. यहाँ तक बात समझ आ गई कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ को हम लोगों ने u के इक्वल लेट कर देना है. अब हम लोगों ने जिस चीज़ को u के इक्वल लेट किया तो उसको हम वैसे के वैसे लिख देते, ऐसे ही था. तो इसको अब हम अंडर रूट को क्या कहते हैं, 1/2. अब इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ. यहाँ तक आपको क्लियर हो जाता है. अब देखो हमारे पास जो चेन रूल है ना, चेन रूल हमारे पास ये है, dy/dx = dy/du/dx. ठीक है, ये हमारे पास चेन रूल है, इसको हम चेन रूल कहते हैं. अब देखो ये दोनों चीज़ें सेम होंगी और यहाँ पर dy/dx आएगा. इस चीज़ को याद करने का एक आसान तरीका है, ये दोनों चीज़ें सेम होंगी. अब देखें इसके अंदर से हम लोगों ने करना क्या है. अब हम लोगों ने पहली इक्वेशन लिखनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन क्या है. देखो पहले u है तो हम du लिखेंगे, फिर x यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है तो हम लोग x लिखेंगे, du/dx आ गया. वही हम लोग डिफरेंशिएट का साइन डालेंगे, 1 - x, 1 + x. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब ये देखें यहाँ पर बटे की फॉर्म आ गई है, तो वही हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे. क्वेश्चन रूल क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला फिर माइनस फार्मूले का, ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव. आ गई ना समझ? हाँ. तो अब ये देखो हम लोगों को पता था कि नीचे वाली चीज़ को हम लोगों को छेड़ते ही नहीं होते, 1 + x, और ये -1 आ गया, ये 1 - x और ये 1 आ गया. तो ये -1 इसे मल्टीप्लाई बाय -1 और ये हो गया -x, -1 - -+x, 1 + x और ये x². तो ये देखो ये x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया -2, 1 + x². तो ये क्या आ गया हमारे पास, du/dx इसके बराबर आ गया. अब हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू क्या है, y है पहले तो हम dy, और फिर क्या है, u है तो du. अब देखो यहाँ पर वेरिएबल u है तो यहाँ पर भी u ही आएगा. अब देखो यहाँ पर बेस के ऊपर पावर है, मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर है, तो यहाँ पावर रूल लगेगा. पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दी और बेस का फर्दर डेरिवेटिव. तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक ये स्टेप्स हो गए. अब हम लोगों के पास देखें, हमारे पास ये चेन रूल था, dy/dx, dy/du, du/dx. अब dy/du भी हमारे पास आ गया, du/dx भी आ गया हमारे पास. अब इसको ये अंदर हम लोगों ने वैल्यूज को पुट कर देना. पुटिंग द वैल्यूज अपनी हाई फाई इंग्लिश में लिख देंगे आप.
वही चेन रूल मैं एक बार इधर फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अब देखो यहाँ मैं वैल्यू डाल देता हूँ, डी वाई ओवर डी यू क्या था मेरे पास, 1/2 यू माइनस टू, और डी यू ओवर डी एक्स क्या था मेरे पास, माइनस टू 1+x और ये स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर u है तो u की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, u की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1-x 1+x और ये माइनस का 1/2 वैसे का वैसे, माइनस का 2 1+x का होल स्क्वेयर। अच्छा अब आगे देखो, अब देखो ये होल के अंदर है पावर, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ 1+x -1/2 -2 1+x का स्क्वेयर। अब देखें ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, 1-x -1/2 1+x -1/2 माइनस का 1 1+x स्क्वेयर। यू नो डैट बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1+x -1/2 +2। अब देखो इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब ऊपर क्या -1 ही रह गया, -1। अब देखो ये चीज क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, एलसीएम ले लोगे ना 3/2, और इसको मैं अंडर रूट में लिख दूं, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये है कि इसको अरेंज करके भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमारे पास आंसर ठीक है और ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया।